Good morning, students. Today's topic of English subject is the magic garden, and today we are going to do the question answers of the chapter magic garden. Okay, अभी तक हमने chapter read किया है, new words पढ़े हैं, उनकी spellings भी पढ़ी हैं, उनका pronunciation भी देखा है कि हम कैसे उन्हें बोलते हैं. ठीक है, आज का हमारा first question होगा, Why did the flowers love the little children? Why did the flowers love the little children? Explanation में बताया था ना कि जो flowers थे वो छोटे बच्चों को क्यों प्यार करते थे. आपको पता है आंसर क्यों करते थे? वीडियो पॉज करो और मम्मी पापा को आंसर बताना है. आपको हर क्वेश्चन के बाद आंसर बताना है. वीडियो पॉज करना है, अपने आप से हिंदी में आंसर देना है, फिर मैं जो इंग्लिश में रीड करूँगी आपने वो सुनना है. ओके, फ्लावर्स लिटिल चिल्ड्रन को क्यों लव करते थे, क्यों प्यार करते थे छोटे बच्चों को फ्लावर्स? आंसर है, द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग वाटरिंग कैंस एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स. द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, जो फ्लावर्स थे वो छोटे बच्चों को प्यार इसलिए करते थे बिकॉज दे ब्रिंग वाटरिंग कैन. वो बच्चे वाटरिंग कैन लाते थे. आपको सबको पता है ना वाटरिंग कैन क्या होता है? वो कैन जिससे हम पौधों को पानी देते हैं. ओके, तो वो छोटे छोटे से बच्चे, आपने पिक्चर में भी देखा है मैजिक गार्डन की चैप्टर में भी, कि छोटे छोटे से बच्चों के हाथ में वाटरिंग कैन्स हैं, वो कैन जिनसे पौधों को पानी दिया जाता है. वो बच्चे वो कैन लाते थे और वाटर देयर थर्स्टी रूट्स, वाटर मतलब पानी देना, वाटर देयर थर्स्टी रूट्स, पानी वो किसको दे रहे हैं? उनके जड़ों को जो सूखी थी, प्यासी थी. थर्स्टी मतलब प्यासा. तो प्लांट्स की जड़ें जो प्यासी हो जाती थी ना, तो छोटे छोटे बच्चे वाटरिंग कैंस ला के उन प्लांट्स को वाटर करते थे. ओके, समझ में आ गया ना? इसको मम्मा पापा को सुनाना है और फिर कॉपी में राइट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? वाई, क्यों डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? जो बर्ड्स थे वो छोटे बच्चों को प्यार करते थे. बर्ड्स बच्चों को क्यों प्यार करते थे? आंसर, द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, बर्ड्स चिल्ड्रन को लव करते थे, बर्ड्स बच्चों को प्यार करते थे, बिकॉज क्योंकि दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. दे मतलब चिल्ड्रन, वो बच्चे, ब्रिंग मतलब लाते थे, ब्रेड फॉर देम, ब्रेड के टुकड़े, रोटी के टुकड़े लेकर आते थे उन बर्ड्स के लिए, और वो उन्हें खिलाते थे, इसलिए बर्ड्स उनसे प्यार करते थे. चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है. ठीक, आंसर हर बारी आपको पहले देना है पेरेंट्स को, उसके बाद आप इंग्लिश में सुनोगे कि क्या लिखा है, फिर राइट करना है. ठीक, थर्ड क्वेश्चन, What sounds could the children hear in the garden? What sounds could the children hear in the garden? कैसी आवाज़ें बच्चे सुन सकते थे गार्डन में? मतलब तो ये निकल कर आया, अब इसको हम सेंटेंस बना लेंगे कि उस गार्डन में बच्चे किस तरह की आवाज़ें सुनते थे. किस तरह की आवाज़ें सुनते थे बच्चे? लास्ट में बताया था चैप्टर के. द आंसर इज, The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. चैप्टर में फेरीज के बारे में बताया गया था जो सॉन्ग सिंग करते थे. ठीक है, तो जो चिल्ड्रन थे, the children used to hear those songs sung by the fairies. जो छोटे बच्चे उस वक्त गार्डन में फेरीज जो सॉन्ग्स गाते थे उन्हें सुनते थे. तो the children could hear the sweet songs. चिल्ड्रन बच्चे वो स्वीट सॉन्ग सुन सकते थे ऑफ द फेरीज इन द गार्डन, जो फेरीज गाते थे गार्डन में, उस बगीचे में जो फेरीज सॉन्ग गाते थे वो छोटे बच्चे सुनते थे. राइट, लास्ट क्वेश्चन, नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. आपको वो फाइव फ्लावर्स बताने हैं जो मैजिक गार्डन में ग्रो कर रहे हैं, हमारे चैप्टर में जो हमने पढ़े. तो बहुत ही ईजी है, कौन से फ्लावर्स थे? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर्स, रोजेज, पॉपीज एंड पैंसीज. ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस आपने सुनने हैं, समझने हैं, उनका मीनिंग पता करना है और
फिर उनको राइट करना है। पहले आप हिंदी में समझोगे, हिंदी में आंसर्स दोगे, फिर इंग्लिश में पढ़ोगे, ओके? और इसके लिए आपके पास आज का टाइम है एंड कल का भी टाइम है, राइट? थैंक यू।